के सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बनने वाले सुपर क्रिस्पी चिप्स क्रंची चिप्स, जिसके आगे बाजार के पैकेट भी फेल हैं। हेलो गाइस, मैं अनीता, इसमें फूड एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 4 आलू। इन दिनों बाजार में यही आलू आ रहे हैं, क्योंकि मॉइस्चर बहुत कम होता है। एकदम बढ़िया और कुरकुरे बनेंगे। पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप आलू को धो करके बढ़िया से छील लीजिए। मैंने आलू को धो लिया, मैं इसको छील ले रही हूँ। देखिए, कि आपने ये तरीका जान लिया है, इस प्रकार आप फटाफट बना करके चिप्स को बच्चों का दिल खुश कर सकते हैं। देखने में ये बनेंगे बाजार जैसे, लेकिन खाने में उससे भी बढ़िया है यार। बिल्कुल शुद्ध आपके अपने हाथों के बने हुए हैं, नहीं कोई ख़राब तेल नहीं। 15 रुपए में ढेर सारे चिप्स बन जाएंगे। बाजार में 10 रुपए में एक आलू के चिप्स भी नहीं निकलते। आलू को छील करके पानी में डाल दिया, जिससे यहाँ काले नहीं पड़ेंगे। आलू निकालिए और बढ़िया कॉटन कपड़े से पोंछ लीजिए। देखिए, मैं पोंछ रही हूँ। आप इसको बढ़िया, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल काले नहीं पड़े हुए हमारे आलू, तो आलू को पोंछ लिया है, फिर भी हमारे आलू काले नहीं पड़े हैं। अब यहाँ पर आप लीजिए टिश्यू पेपर या कागज, तो कॉटन का कपड़ा लीजिए, ले स्लाइसर या ग्रेटर वाला प्लेट है, हर ग्रेटर में होते ही हैं। आपको ये तरीका भी बता दूंगी, बिना ग्रेटर या स्लाइसर के चिप्स कैसे बनाएं। इसको ग्रेट कर लिया है, अब मैं बिना ग्रेटर की सहायता से बताऊंगी। मैं आलू छीलने वाला नाइफ ले रही हूँ, उससे भी स्लाइस निकाल ले रही हूँ। पतली पतली स्लाइस निकल रही है, देखिए। स्लाइसर के भी इसी प्रकार बना सकते हैं, अगर ना हो तो नाइफ से भी आप इसी प्रकार बना सकते हैं, आपके बन ही जाएंगे। कट कर लिया है, टिश्यू पेपर लगाया है या जो टावल लगाया है, थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होगा उसको बस सोख लेगा। एक और टिश्यू पेपर या कॉटन कपड़ा लीजिए, बढ़िया से आलू को आप इस तरह का लीजिए। इसको आपको कोई सुखाने की जरूरत है, ना धूप लगाने की, ना आपको पंखे में रखने की जरूरत, मॉइस्चर को सोख लेगा। तुम्हें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। एक जरूरी की पॉइंट है, याद रखना है, या चिप्स बनाने के लिए रह गया तो क्या होगा, उसको फ्राई करेंगे तो किनारे हो जाएंगे लाल, रह जाएगा कच्चा, जाने के बाद पड़ जाएगा मुलायम। मैं तेल पहले से ही गर्म किया था, मीडियम फ्लेम पे, देख गर्म हो गया है। फिर पॉइंट आपको याद रखना है, चिप्स को ऊपर हॉट ऑयल होना चाहिए, स्पाइस इसमें डालेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है गिरेगा। तेल का तापमान कम हो जाएगा, फिर हमारे आलू के चिप्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बहुत ही बढ़िया गरम तेल में आपको चिप्स को फ्राई करना है। लेकिन चिप्स इतना डाले ना, चलाएंगे या घुमाएंगे इसको, गोल्डन ब्राउन होने तक चिप्स को कुरकुरे करेंगे। 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, ना या नरम होंगे। तरीका भी बता दूंगी इसको स्टोर कैसे करना है। इस स्टेज पर हमारे बबल्स हो गए हैं कम, और मैं वाटरिंग बताऊंगी जैसे दुकान वाले अपनाते हैं। क्रिस्पी चिप्स बनाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी ले लिया है, और मैं इसमें नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, आधा छोटा चम्मच डाल दिया है नमक। अच्छे से नमक को कीजिए मिक्स, पानी तैयार है, बबल्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, चिप्स ऑलमोस्ट तैयार होने ही वाले हैं। अब इसे सिर्फ और सिर्फ 2 बूंद नमक वाला पानी, बिल्कुल नहीं डाला है, और दूर हो जाएंगे धीरे से। या जो हमारा स्टैंडर हो रहा है वह रुक जाएगा। यार में बेचते हैं वो लोग भी यही ट्रिक्स अपनाते हैं, एकदम परफेक्ट बने हैं। अब
ये गरम है, मैं गरम में इसको दिखा रही हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। पूरे परिवार का दिल खुश कर सकते हैं, तुरंत से आप बना सकते हैं। सुपर क्रिस्पी 100% कुरकुरे करारे चिप्स आपके तैयार हैं। ये सुनिए इसकी आवाज, ये देखिए बिल्कुल तैयार हैं हमारे, से बढ़िया एकदम क्रिस्पी कुरकुरे करारे। मिर्ची पाउडर डाल दे रही हूँ, मुझे यही फ्लेवर पसंद है। नमक तलते समय डाल दिया था, देखिए कितने क्रिस्पी हैं हमारे। खाइए चाहे सुबह खाइए चाहे दोपहर में खाइए, शाम को भी खा सकते हैं जब आपका मन करे 5 मिनट बना करके तुरंत का तुरंत खा लीजिए। सूप भी खाना है ना इसको उबालना है, तुरंत आप 5 मिनट में बना लीजिए, सुपर टेस्टी क्रिस्पी। इसको मिला दे रहे हैं, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।